बाहर को जा नहीं सकता। तबादर में मारंग बलोच साहब और उनके जो गुदारी हो रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो रहे हैं। क्रेन पोस्ट डिसअपीयरेंसेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बलोच लोगों का आप उनकी आवाज़ सुने, उदारा उन लोगों की आप आवाज़ सुने उदारा। और ये इसका इक्तसादी हालात इस वक्त बहुत सीरियस है, क्योंकि जो बजट पेश किया गया तो हाउस में भी मैंने कई बार कहा था, मैंने कहा था ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया है, IMF ने बनाया है, और उसके साथ साथ ये इकोनॉमिक या इकतसादी दहशतगर्दी है पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ, और वही साबित हो रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा, और एक जख्म पे नमक छिड़कने के मुताबिक है। हुकूमत कह रही है कि जी महंगाई कम हो रही है, और भाई तुम लोग होश के नाखून दो, हमारे पास तो अरबों रुपए आ गए हैं, तुम अपना जो खजाना है वो तो भर रहे हो, जेब भर रहे हो, पर जो मेहनत कश लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, जानदार लोग हैं, उन मेंबर्स हमारे डिक्लेयर्ड हैं PTI के। 41 पॉइंट का एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गया है। जो ये मर्जी है कर लें, तेरा रोक सको तो रोक लो, ये सिर्फ PTI का रास्ता रोकने के लिए। नहीं कामयाब होंगे, हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून की खिलाफवर्जी को ये लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा, हम लोग अदालतों में जाएंगे और उसको रिवर्स कराएंगे। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की ये अपनी जो करप्शन है उसको ये कवर करने की भिगोंगी इनकी कोशिश है, और इसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है, चाहे वो IPPS के मुआहदे हो, पीपल्स पार्टी और उसमें भी शामिल है। मुल्क का लूटने का सिलसिला और ये शामिल है, आपका 450 अरब रुपए के गंदम का स्कैंडल है उस पर ये शामिल है, आपका 500 अरब रुपए का जो पेट्रोल स्मगल होता है उस पर ये सब शामिल है। नीचे से ऊपर तक इनको भत्ता मिलता है, इनको भत्ताफोरी मिलती है। कराची के हालात देख लें आप, पंजाब के देख लें, बलोचिस्तान के देख लें आप, पंजाब के देख लें, मुल्क में इनके